उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कोटद्वार, जहां पर विश्व प्रसिद्ध बाबा सिद्धबलि का मंदिर है, और कोटद्वार से होकर के आगे पहाड़ तक मुख्य शहर भी है। बीती रात्रि बादल फटने से नदियों में उफान आने के कारण एक भयावह स्थिति बन गई है, जिसके चलते कोटद्वार के सभी संपर्क मार्ग लगभग अस्त व्यस्त हो गए हैं और नगर के बीच सड़कों पर कई फुट पानी भर चुका है, जिसके चलते कोटद्वार के मुख्य मार्ग, रेलवे ट्रैक, प्रसिद्ध मंदिरों को आने जाने वाले रास्ते तथा पहाड़ जाने वाले रास्ते बाधित हो गए हैं और प्रकाश व्यवस्था भी लगभग ठप सी हो गई है। मानो कोटद्वार का जनजीवन पूरी तरह ठहर गया है। कोटद्वार में आई भारी तबाही, भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी भयानक स्थिति बनी हुई है। इसके कारण गढ़वाली और मैदानी जनता भारी बारिश के कारण से जूझ रही है। सर आप भैंसा दरोड़ चलिए रे पौड़ी गाय भी आ गई थी वहां से। हां दो गाय था अपने व्यक्ति ये स्टार्टिंग में ही ये पूरा नदी में समा गया है। आप जो देख रहे हैं ये नदी में समा रहा है। आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा पुल, ये झूला पुल है। आप देखें इतिहास खड़ा है पर आधुनिकता तबाह हो रही है। ये आधुनिक पुल है जिसे बनाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। कोटद्वार के तमाम पुल जो नदी अपने आगोश में ले रही है उन्हीं, ये गाड़ीघाट का रतनपुर वाला पुल जो गाड़ीघाट को रतनपुर से जोड़ता है, आप ये देखें। इधर पुल की तरफ जा रहे, इधर ना जाओ, अभी लाइट बंद कराइए। 11,000 की लाइन का हो सकता है कोई तार टूट गया हो। आप लोग सब पीछे रह लें, पुल के ऊपर ना जाए बिल्कुल भी। आजा कुछ नहीं है, गिरा सकते हो क्या? चलो पानी आ रहा है आपको। देखो ये